गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 39A करेंगे। हिंदी की वर्कशीट है फॉर द डेट 5th अगस्त 2021। क्लास 3 की हम वर्कशीट कर रहे हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम है रिमझिम और ये पाठ मन करता है से रिलेटेड है आपकी वर्कशीट आज की। ठीक है बच्चों, आप सभी ने मन करता है पोएम पढ़ी ही होगी। पढ़ी है या नहीं बताएंगे मुझे। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये पोएम मुझे ये भी ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है ये है किससे रिलेटेड आपकी मन करता है, जो आपकी पोएम है हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में है ना। तो चलिए एक बार इसको आप अपनी अपनी बुक्स निकालेंगे और उसमें पाठ निकालेंगे मन करता है। ये आपको पेज नंबर 29 पे दिए, चौथा पाठ है मन करता है। ठीक है एक बार पढ़ लेते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है पापा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो बेटा ये जो पोयम है ये लिखी है सुरेंद्र विक्रम जी ने। ठीक है लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट नाउ। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ एवं खुश होंगे। आइए बच्चों, मन करता है कविता को हाव भाव व लय ताल के साथ बोलकर पढ़ते हैं। बच्चों हमने ये पोयम अभी अभी पढ़ी थी मन करता है ना। कविता अच्छी लगी ना, तो आइए अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। चलिए बेटा इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेते हैं। बच्चों नीचे दी गई जगह में अपनी पसंद का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। बेटा इसमें आपको एक अपना पसंदीदा चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपने क्या ड्रॉ किया। मन करता है चित्रकार बनकर रंगों से मैं दुनिया सजाऊं। तो अब आपको इसमें एक अपना फेवरेट किसी भी चीज़ की एक चित्र बनाना है। मौसम का बना सकते हैं, बादलों का चित्र, बारिश आ रही है आजकल उसका चित्र बना सकते हैं, कुछ खाने की चीज़ जो आपकी फेवरेट है उसका चित्र बना सकते हैं। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। आइए देखते हैं कि कविता में आपको कितनी कविता आपको कितनी याद हुई। बच्चों आपको कविता याद करनी है, अभी हमने जो पढ़ी थी मन करता है। ठीक है अब ये हमको फिलअप करने हैं, देख लेते हैं। मन करता है सूरज बनकर डैश लगाऊं, सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो आप इधर लिखेंगे आसमान में दौड़ लगाऊं, आसमान में दौड़ लगाऊं। अगला देख लेते हैं बच्चों। मन करता है पापा बनकर डैश बढ़ाऊं, पापा बनकर क्या करना चाहता था ये बच्चा, पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मैं भी अपनी मूंछ, मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। ठीक है अगला। मन करता है तितली बनकर डैश जाऊं, तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, दूर दूर उड़ता जाऊं। ठीक है
सॉरी, ये जाऊं लिखा हुआ है बच्चों ऑलरेडी। उड़ता जाऊं, फिर अगला मन करता है चरखी लेकर डैश उड़ाऊं। क्या उड़ाऊं? पीली लाल पतंग उड़ाऊं। पीली लाल पतंग, पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ठीक है, नेक्स्ट। बच्चों अब अपने मन की बात बताइए और नीचे लिखी कविता को अपने समझ से पूरा कीजिए। बच्चों आपको अब कविता में का कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कविता जैसे कुछ लाइंस दी हुई हैं वो आपको कंप्लीट करनी है अपनी समझ से। जैसे पहला है, मन करता है बस्ता लेकर मैं फिर से अपने स्कूल जाऊं। मन करता है कक्षा में जाकर फिर से धमा चौकड़ी मचाऊं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मन करता है मित्रों संग मिलकर आधी छुट्टी में डैश खाऊं। बेटा क्या खाना चाहते हैं? मैं तो लिखूंगी मीठे फल, मीठे फल खाऊं। मन करता है मैडम या सर बनकर घर पर मैं भी सभी को पढ़ाऊं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। बच्चों क्या आप भी कभी तितली के पीछे भागे हो? लिखकर अपने अनुभव साझा कीजिए। तो बच्चों आपको बताना है, कभी आप भी तितली के पीछे भागे हो? हाँ, मुझे आप ऐसे लिखेंगे, हाँ मुझे सुंदर और रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागना पसंद है। बेटा आप भी भागे हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका अनुभव कैसा था। चलिए अगला, ये आपकी जो वर्कशीट है आज की ये कंप्लीट हुई। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? बच्चों आपको लगी कार्यपत्रिका मज़ेदार मुझे बताएंगे। अब झटपट बताइए कि आज आपने नया क्या सीखा। तो बच्चों आपने आज इस वर्कशीट से नया क्या सीखा मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आज आपने नया क्या सीखा। आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, बच्चे घर के सभी सदस्यों से पूछे कि यदि उन्हें एक दिन के लिए बच्चा बना दिया जाए तो उनका क्या क्या करने का मन करेगा। बच्चे इसे कागज पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों COVID-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, ठीक है। स्टे होम स्टे सेफ बच्चों। और जो इसके आगे की आपकी वर्कशीट है 39B, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।